जिला मुख्यालय का बाजार सप्ताह में एक दिन बंद हो इसके लिए मंगलवार का दिन निर्धारित हुआ था। हालांकि यह परंपरा वर्ष 2002 से ही जिला में लागू थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसमें धीरे धीरे नियमों का लोप होता गया और लोग अपनी मनमर्जी से अपना कारोबार करने लगे। बीते दिनों इसको लेकर के सदर SDO की अध्यक्षता में चेंबर ऑफ कॉमर्स ने एक बैठक की, जिसमें यह तय हुआ मंगलवार की बंदी प्रभावी की जाए। लेकिन अब इसको लेकर शहर में राजनीति शुरू हो गई है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। आज रविवार को जो जिला मुख्यालय में देखने के लिए मिला, कुछ लोग माइक लेकर के नुक्कड़ सभाएं कर रहे थे, छोटे व्यवसायी भी उसमें शामिल हुए। इसमें कुछ लकटकिया भी थे जो बड़े और मजे व्यवसायी हैं, लेकिन जिन लोगों का विरोध था उनका कहना था हम इस नियम को नहीं मानते। कुल मिलाकर कहें तो 11,000 रुपये जुर्माने की जो बात कही गई थी उसको लेकर के आक्रोश काफ़ी देखा जा रहा है। इस नुक्कड़बाजी का ही परिणाम रहा कि रविवार को ही शहर के गोयल धर्मशाला में चेंबर्स ऑफ कॉमर्स की दूसरी बैठक हुई, जिसमें 50-60 से अधिक की संख्या में शहर के व्यवसायी एवं अन्य लोग शामिल हुए। इन लोगों ने आपसी सहमति से यह तय किया मंगलवार की बंदी को प्रभावी किया जाएगा, क्योंकि यह कर्मचारी हितों के साथ साथ व्यवसायिक हित में है। एक कोई दुकान बंद करता है तब तक दूसरा खोल देता है, ऐसे में लोभवश सभी दुकानदार अपनी दुकानें बंद नहीं कर पाते, इसमें उनके अपना हित भी प्रभावित होता है। इस मामले में बैठक में शामिल होने पहुंचे एक युवा की राय। बंदी है इस स्वेच्छा से है और समाज की बेहतरी के लिए। देखिए, आज के ज़माने में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो मेंटल हेल्थ और दूसरा संसाधन। तो अगर शहर को एक दिन ब्रेक लगता है तो उसमें संसाधन भी बचेगा और मेंटल हेल्थ की भी जो उसमें है वो लोग रुकेंगे, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, समाज के बारे में सोचेंगे। हम तो युवा हैं, हमको आराम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये वर्ग तो सबका है, उन सबके लिए बंदी बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए हम इसका समर्थन करते हैं। तो हम लोग ले कर मार्केट में जाते, सबको अवेयर थे तो उसके बाद ही आता। तो इनमें कुछ लोगों ने राजनीति का रोटियां सेकने लग गए, उनको आके यहाँ पे बात करनी चाहिए थी। जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट है जिन्होंने, उनको पहले स्पष्टता लेनी चाहिए थी क्या ऐसा है क्या, उसके बाद अगर वो करते आंदोलन तो वो जायज़ होता। मुझे तो ये बचकाना और जल्दबाजी में किया गया एक फैसला। मैं सौरभ चौबे चौबा रेस्टोरेंट से और एक व्यवसायी होने के नाते हम सबको मैं आप। हालांकि हम आपको यह बता दें, इस विरोध का परिणाम सार्थक परिणाम भी कह सकते हैं। देखने को यह मिला कि चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सत्यदेव प्रसाद ने बैठक के उपरांत संदेश भेजकर यह स्पष्ट किया, अब अर्थदंड वाली बात प्रभावी नहीं होगी, लेकिन हमारा आग्रह है सभी लोग मंगलवार की बंदी पर ध्यान दें। हालांकि सत्यदेव प्रसाद से जो मीडिया ने गोयल धर्मशाला की बैठक के दौरान बातचीत की है उसके अंश भी यहाँ हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन जिस तरह का खेल जिले में चल रहा है, किसी भी कायदे कानून की बात इसलिए की जाती है ताकि व्यवस्था बनी रहे। फिलहाल सत्यदेव, आज से एक सप्ताह पूर्व, लगभग एक सप्ताह पूर्व, और मंडल पदाधिकारी के अध्यक्षता में हमने एक बैठक बुलाई थी। मेरा नाम सत्यदेव प्रसाद है, अध्यक्ष पक्ष कांग्रेस की तरफ से उनकी अध्यक्षता में एक हम लोगों ने बैठक की थी, जिसमें ये सर्वसम्मति से, उनके तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं था, सर्वसम्मति से हम लोगों ने निर्णय लिया कि साप्ताहिक बंदी के तौर पर मंगलवार को बंद रखा जाए। और इसमें जो लोग आनाकानी करते हैं या जिसकी इस बंदी की उल्लंघन करते हैं उस पर व्यापारिक संगठन के तरफ से 1,000 से लेकर 1,100 तक, उसमें हमारी सहमति के अनुसार ही ये तय हुआ था। उनका उसमें कोई प्रस्ताव नहीं था, हमारी व्यापारिक व्यावसायिक बंधुओं के तरफ से ही 1,000, किसी का 500, और अंत में कहा कि जो बार बार गलती करता है उसको 1,100 रुपये अर्थदंड के रूप में व्यावसायिक संगठन लेगा। इस तरह से प्रशासनिक स्तर से उनकी कोई मंशा नहीं थी, न उधर से कोई प्रस्ताव था, ये हमारे ही प्रस्ताव पर 1,000 से लेके 11,000 रुपये तक का फाइन का प्रस्ताव था जो भी व्यापारिक व्यापार संगठन में जमा होगा, उसमें उनकी कोई बाध्यता नहीं थी। तो और इस तरह का गलत प्रचार किया गया था, कुछ लोगों की तरफ गलत प्रचार किया गया था कि ये प्रशासनिक स्तर से पेनल क्लॉज लगाया गया।
ना अच्छा किसी स्तर पे जुर्माना लगाया जाए, लेकिन ये कहाँ तक उचित है कि कोरोना काल में जहाँ सामाजिक समरसता बनाने के लिए ये अर्थदंड लगाने की बात होगी कि वो विकास फंड में व्यवसायिकों के विकास में काम आएगा, ये इसलिए नहीं कि वो उसको अर्थदंड लेके उसका गलत उपयोग किया जाए। मंगलवार बंदी का जो मामला है, मतलब मंगलवार बंदी का उद्देश्य क्या है ये मुझे मंगलवार बंदी था इसलिए कि लेबर और शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में एक दिन लेबर को छुट्टी देना है 7 दिन पर। इस तरह से यदि आप एक रूपता रहेगी समाज में ताकि एक दिन ही बंद रहेगा तो किसी को आर्थिक क्षति नहीं होगी और एक तरफ से जितने भी ग्राहक हैं सभी एक दूसरे के बने रहेंगे दुकानदारों के, इसलिए एक साप्ताहिक बंदी के तौर पर इसको बनाने का निर्णय लिया गया। जो छोटे व्यवसायी हैं, जो गरीब व्यवसायी, गरीब अमीर की कोई बात नहीं, जो जितने में है उतने में है सभी की एक ना तो ना उसमें 5 तरह के व्यवसायियों को छूट दिया गया था जिसमें फल विक्रेता है, सब्जी विक्रेता है, दूध विक्रेता है, पाव रोटी और मिठाई की दुकानें हैं, चाय पान की दुकानें हैं और रेस्टोरेंट की दुकानें हैं, इसको एग्जम्प्ट किया गया है। अच्छा, इनको छोड़ के तो ठीक है कोई। हाँ, और इमरजेंसी में यदि किसी को कोई आवश्यकता हो, कोई दुकानदार खोल के देता है तो सिलसिला नहीं होना चाहिए, किसी इमरजेंसी में किसी को कोई काम आ जाता है तो उसके उसको देना है तो कारण बताएंगे, कारण बताएंगे, फाइन वगैरह भी आप ही लोग लेंगे, प्रशासन की कोई भूमिका नहीं, संगठन लेगा उसमें अपने उसके व्यवसायियों के। जैसा कि हमने आपको बताया बैठक के उपरांत संदेश भेजकर यह स्पष्ट कर दिया गया है अब अर्थदंड की का कोई प्रावधान नहीं रहेगा। फिलहाल थोड़ा सा अंश हम लेते हैं उन लोगों का जो विरोध करते समय माइक से अपनी बातें कह रहे थे। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि व्यवसायी वर्ग पूरा बक्सर में या चाहे जिला, ये तो जिला की बात हो गई, तो कितने हमारे व्यवसायी हैं उसमें माने उच्च श्रेणी के व्यवसायी हैं, मध्य श्रेणी के भी व्यवसायी हैं, निम्न श्रेणी के व्यवसायी हैं, नाना प्रकार का व्यवसाय है, और सारे लोग यदि मंगल के दिन दुकान बंदे कर रहे हैं, किसी का रोज का मरना का दुकान है, आ, हम रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, ऐसे भी तो दुकानदार हैं, उसकी उपेक्षा हम काहे करेंगे, हम यदि नियम नहीं है तो हम काहे के लिए ऐसा बात करेंगे। लेबर एक कानून नहीं प्रभावित आपको करता है कि मंगलवार को हम दुकान बंद करें तो क्यों बंद करेंगे, हमको यह समझ में नहीं आ रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ इस तरीके से जिला हालांकि पूर्व में जो बैठक हुई थी उसमें स्पष्ट किया गया था दवा दूध सब्जी फल फूल आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें यथावत खुल सकेंगी, उसके लिए प्रतिबंध नहीं होगा, इसमें मिठाई एवं रेस्टोरेंट की दुकानों को भी शामिल किया गया था। लेकिन इस विषय को लेकर के बीते दिनों सोशल मीडिया पर भी कुछ संदेश जारी कर यह कहा गया था कि जिलाधिकारी ने कह दिया है हम इस आदेश के बारे में कुछ नहीं जानते। मामला यहीं से परिवर्तित हुआ और इसको लेकर के कुछ लोग राजनीतिक भ्रम का शिकार भी हुए। फिलहाल इस मामले पर एक व्यवसायी ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी जो कानून का हवाला देते हैं। नियम पास हुआ था इसके अलावा और कोई खास बात, ये संदीप पौंडी के टाइम में पूरे जोर शोर से लागू हुआ था, अब पता नहीं कौन एक्ट टूट गया क्या हो गया, धीरे धीरे तो बनिया तो लोभी जात होते हैं तो भी आयोग का उठा तो दूसरे का भी उठ गया, तीसरे का उठ गया, आज सबका उठ गया, अब गिराने में मुंह लग रहा है। तो आज के बैठक से क्या निर्णय लिया गया? आज के बैठक कुछ नहीं है, बस आप स्वेच्छा अगर इच्छा शक्ति है आप में अगर तो बंद कीजिए, नहीं तो किसी प्रकार का दबाव नहीं है, आप खोलिए बेचिए हम। अच्छा, कुछ लोग राजनीति भी कर रहे हैं, कुछ राजनीति देखिए राजनीति से प्रेरित व्यवसायी ने, व्यवसायी तो राजनीति के दबाव में रहता है, वो बताइए वो कौन सी संविधान बना है कि कहते हैं कि बाजार एक दिन आज बक्सर बंद रहेगा, ये कोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? शीशा तोड़ने का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, शीशा बस में आग लगाने का इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो कौन सी राजनीतिक पार्टी कौन से एक्ट के अंतर्गत ये खेल खेलती है, मेरा सीधा क्वेश्चन है, हमारे क्वेश्चन का जवाब दे दे। हमारे व्यवसायी खुद स्वतंत्र हैं और हम लोग स्वतंत्र जीवन जीते, हम लोग का व्यवसायी का जाति पात और धर्म ये तीन चीज नहीं होता है। तो मतलब ये बंदी की जो बात उठी इस पे कुछ लोग राजनीति कर रही है तो स्पष्ट है, वो लोग अपना पापड़ से के उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, व्यवसायी एक है, व्यवसायी सहमत है इस बात। हम व्यवसायी जो हैं जो अपने इच्छा से बंद करना चाहें बंद करें, खोलना चाहें खोलें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपना बंद रखूँगा तो मैं अपना बंद रखूँगा, क्योंकि ये मेरी फंडामेंटल राइट्स में आता है और ये हम अपनी इच्छा शक्ति से बंद करेंगे। तो चेंबर ऑफ कॉमर्स का क्या निर्णय है? चेंबर ऑफ कॉमर्स भी एक संस्था है व्यवसायियों का,
उसका क्या निर्णय? वो भी चाहती है कि भाई एक दिन हम लोग को बंद करना चाहिए। अभी इसका पहल ही कर रहे थे तब तक किसी ने माचिस लगा दिया। भैया किसी भी सरस्वती पूजा है, मान लीजिए कि आप गलत मैसेज दीजिएगा समाज में, दिग्भ्रमित कीजिएगा छोटे छोटे व्यवसायियों को। बहुत से अशिक्षित हैं, बहुत से शिक्षित हैं, बहुत से उतने सोच वाले नहीं हैं, तो जो उसकी जितनी सोच होती है उस आधार पर सोचता है। कायदे कानून नियम प्रबंधन लोगों की सुविधा के लिए होते हैं। अगर व्यवसायी चाहें तो अपनी दुकानें खोलें या बंद रखें, या उनकी मर्जी पर है। फिलहाल आप यह जान लें, जुर्माना नहीं लगने वाला है। अब इस प्रकरण को लेकर किसी का उल्लू सीधा हुआ हो या टेढ़ा, यह वह समझे। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।